आइए मैं नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ। बहुत से शोरा इकराम पढ़ते हैं आसान कहाँ है, उनका कलाम शहीदानी करबला के हवाले से है। मैं पहले पेश करता हूँ नाते पाक का मतलब, मुझे कोई समाज फरमा दे Thank you.
जनाब अब्दुल अजीज साहब उनकी भी दुआएं चाहता हूँ। इनकी इनके हवाले से चार मिसरे पेश करता हूँ, बतौर खास मुझे समाप्त कर लो। फकत मैं यूं ही नहीं अपनी जान दे दूंगा, फकत मैं यूं ही नहीं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा, फकत मैं यूं ही नहीं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। बहुत अच्छे हाजी जाहिद साहब की तरफ से ये 1000 रुपया और सोनाटा की एक नई घड़ी दिया है, ये हम काफिया है माशाल्लाह, मुजाहिद और जाहिद। अच्छा माशाल्लाह, इन्हें को कबूल फरमाए माशाल्लाह। ये पकड़िए, बस फर्क इतना है कि मुजाहिद मैदान जंग में तलवार लिए घूमता है और ये तस्बीह लिए बैठे रहते हैं जाहिद साहब। माशाल्लाह, पेश करना हूं तमाम फरमाने। यजीद को एमरजेंसी है जाना है, पेश करता हूं लादा कर ले। नाफताब ना महताब के जमाल में है, महताब के जमाल में है जो बातिया में नबी भी तुम्हारे लाल में है। नाफताब ना महताब के जमाल में है जो बातिया में नबी भी तुम्हारे आप जाए
फरमाइश है। अरे बगैर इसके तुम्हारी नमाज दुरुस्त नहीं है, पढ़ो। हाँ नमाज शाही, एकदम मजबूत दिख रहे हो। एक एक माशाल्लाह, नारे तकबीर माशाल्लाह। ये देखिए किसी बहन की तरफ से पायल आया है माशाल्लाह। मोहम्मद कासिम ये बच्चा लेके आया है, देखिए माशाल्लाह इन्होंने मदरसे के नाम पर इस खातून ने दिया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। जो आइए मोहम्मदी जना एक मतला और दो शेर पेश करता हूँ, मुलाजा कर लें क्योंकि भाई हम अपने ये नहीं आखिरी लोगों के लिए आए। ये लीजिए भाई, क्या वाह, अल्लाह मिटाने का तुझको क्या खूब करीना आता है, अंदाजे सखावत पर तेरे आतिम को पसीना आता है। वाह रे बाबा, बड़ा बड़ा ये माला आपका बाहर के पड़ोस में आपका भी है। जी जी, मैं पेश करता हूँ एक बार, और ये हमारे जनाब हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब, इनके हवाले से इस नाते पाक का सबसे खूबसूरत बन पेश करता हूँ। मुझे भाई खबर एक खास समाज फरमाए कि छुपी छुपी के चंदा नौशाद अहमद भाई ने 500 रुपया दिया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। बहुत जल्दी जल्दी एक मतला एक बंद पेश करता हूँ, और एक खास मुरादा है मस्जिद के हवाले से उन्नत में पढ़ने का हुक्म हुआ है। मदरसे पढ़ने के हुक्म हुआ है, पेश करता हूँ बतौर खास मुरादा है। हम साहब की मोहतरमा यानी तशरीफ उन्निसा ने एक सोने की अंगूठी दी है, अल्लाह इनके देने को कबूल अता फरमा। एक मतलब नारे तकबीर, नारे आधी आवाज में लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऐसे लगता है अब लगा कि ये मोहम्मदाबाद वाले ये सोने की अंगूठी, एक एक रूम वाली ये आपकी अमानत, माशाल्लाह ये हुई ना बात। अब एक मतला पढ़ता हूँ और देखता हूँ कितने लोग नारा लगाते हैं, पेश करता हूँ नारा कर रहे हैं। एक मतला तो बन मुझे चुम लेंगे, चुम लेंगे शमशेर भाई और मौलाना शादा आलम साहब, उनके हवाले से पेश करता हूँ मतला समाप्त करवाए। और थोड़ा सा पता चल जाए कि लखीमपुर का मुशायरा हो रहा था,
और शमशेर जहानागर जी यही शेर पढ़ रहे थे कि ये न पूछो कि क्या क्या चुम लेंगे, स्टेज ने कहा ज्यादा उछलोगे तो हम धरती चुम लेंगे। तो स्टेज ही जो है पूरा टूट गया। अल्लाह से दुआ करें कि स्टेज आज सलामत रहे। जब भी ये शेर पढ़ते हैं तो खर्चा लाही पड़ता है जी। ये न पूछो कि क्या क्या चुम अल्लाह पेश करना हूँ। बहुत जल्दी समाप्त फरमाए कि ये न पूछो जी जा जनाब शमशेर जहानागंज जी के अशआर को सुनकर जनाब अब्दुल मतीन साहब साबिक नाज़िम मदरसा हदा 5,000 रुपया और हाफिज़ शमसुद्दीन साहब फरीदाबादी 2,000 रुपया नारे ना मेरा काम है ना इनका काम है, मदरसे का काम है। पेश करता हूँ अपने खास मातमाए कि मरहबा सल्ली अला आए महबूबे खुदा कि बोले जहरा के ललन क्या बात है ए मेरे भाई हसन क्या बात है। तो बोले सुभान अल्लाह बोले जहरा के ललन ए मेरे भाई हसन आओ